अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अबेल फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ ओरिफ्लेम के एक बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम का रिव्यू शेयर करूँगी और इसकी फ्रेग्रेंस का आपको आइडिया अपनी तरफ से तो भरपूर देने की कोशिश करूँगी कि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए ये क्या है। ये परफ्यूम है ओरिफ्लेम दी वन डिसगाइज परफ्यूम। जैसे कि हम सबको पता है कि दी वन की रेंज ओरिफ्लेम की बहुत ही ज़बरदस्त है कॉस्मेटिक के हिसाब से, लेकिन इसका जो है ये परफ्यूम भी अवेलेबल है। इसकी परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो आप ये कह लें कि शार्प कैटेगरी में आती है। ज़्यादा शार्प नहीं है, ऐसी शार्प नहीं है कि इसको आप यूज़ करेंगे और आपके सर में दर्द हो जाएगी या अनप्लेजेंट सा जो है आपको फील होगा, ऐसी ही बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस जो है एक बार जो है आपको अमेज कर सकती है। इतनी इसकी बिल्कुल यूनिक फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है फ्रेग्रेंस है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग लास्टिंग भी है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये मुझे रिक्रूटमेंट गिफ्ट में जो है ये मिला था जी। ये अब जो है इसकी पाकिस्तान में ये दी वन डिसगाइज परफ्यूमिंग बॉडी लोशन भी है अवेलेबल है। इस परफ्यूम के मैं मेन इंग्रेडिएंट अगर आपको बताऊं तो इसमें रसबेरी के साथ इसमें रोज बर्ड और तीसरे नंबर पे इसमें ग्लोजी वनीला शामिल है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप ये कह लें कि ऐसे लोग जिन्हें थोड़ी सी शार्प फ्रेग्रेंस पसंद है और ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है कि उनको अपने पास से कुछ ना कुछ फील हो कि उन्होंने कुछ लगाया हुआ है और उनको कुछ फ्रेग्रेंस आए, यानी कि प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस आए, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जिन्हें लाइट फ्रेग्रेंस पसंद है और बिल्कुल धीमी सी फ्रेग्रेंस पसंद है, ये उस कैटेगरी की नहीं है। अच्छा, इसकी प्राइस पाकिस्तान में इस वक्त मेरे अंदाज़े के मुताबिक 4600 है, लेकिन जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये क्रीम भी ले सकते हैं। फ़र्क ये है कि वो परफ्यूम है और ये क्रीम है। जैसे कि वैसे तो ओरिफ्लेम के सारे बॉडी ही परफ्यूम्स होते हैं, उनको बॉडी पे ही लगाएं तो उनकी फ्रेग्रेंस रहती है, कपड़ों पे उनका इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन ये जो है बॉडी क्रीम है, आपने परफ्यूम लगा लिया या ये क्रीम अप्लाई कर ली, एक ही हिसाब होगा फ्रेग्रेंस को लेके एक ही जो है वो हिसाब होगा। बस मैटर होगा लॉन्ग लास्टिंग का। परफ्यूम जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तभी तो ये मेरे फेवरेट परफ्यूम में से एक है। अगर आपने इसको कपड़े पहन के, बेशक आपने इसको कपड़ों पे भी लगा ली है, तो आपके तकरीबन 6 to 8 hours जो है ये बहुत अच्छे से जो है ये रह लेगा। और मुझे जो है ऐसा भी फील होता है कि मैं अपने वही कपड़े अगर 2 दिन बाद भी उनको स्मेल करूँ तो मुझे फिर भी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, कुछ कुछ ऐसा भी मुझे फील होता है। लेकिन नॉर्मली जो है अगर मैं ऑनेस्टली एक रिकमेंड करूँ तो ये आपके 10 hours तक जो है ये स्टे कर सकता है, बहुत अच्छा है। ग्रंटीली मैं अगर रिकमेंड करूँ तो ये 10 hours तक जो है ये स्टे कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।